हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल पर सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, क्योंकि पोस्ट न्यू मून में ट्विन फ्लेम एनर्जीज है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये एनर्जी चेक करती हूँ क्योंकि रिक्वेस्टेड होता है। तो लेट्स सी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रही है और इसमें क्या चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं वो जानने की कोशिश। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। और थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप रिलेटेड है तो ही इस रीडिंग को प्लीज़ देखें। ओके, बॉटम देखें, सिक्स ऑफ पेंटिकल। तो कार्ड है बॉटम डेक है सिक्स ऑफ पेंटिकल, फाइव पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, द टावर, द मैजिशियन, द टेम्परेंस, टेन ऑफ वैंड, एट ऑफ वैंड्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन से सा फील हो रहा है कि बैलेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जैसे कर्मा है या फिर लेन देन है बहुत ज़्यादा। कोई अपना कर्मा भुगत रहा है तो कोई अपना कर्मा दे रहा है, क्रिएट कर रहा है, वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि चलो देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनका करियर हो सकता है, स्पेशली फाइनेंसेस, ये हो सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है कि उनका नेम एंड फेम, ये भी हो सकता है कि एक होता है ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल क्या बोलते हैं, सोशल पोजीशन, कि हम ऐसे समाज में ऐसे है तो फिर हम कैसे कर सकते हैं एक्सेप्ट, वाली चीज़ हो सकती है। तो वो दिख रही है थर्ड पार्टी। दूसरा चीज़ है कि किसी एक स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोग के लिए, कि कुछ लोग के इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना, जैसे कि इनके ऊपर ना कोई ब्लैक मैजिक नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस किया गया था अट्रैक्ट करने के लिए या पकड़ के रखने के लिए, तो वो चीज़ है, उसकी वजह से हो रहा है वो चीज़ है। दूसरी चीज़ मुझे फील हो रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉसिबली फैमिली के हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और स्पेशली इनकी फैमिली हो सकती है या फिर ये मैरिड हो सकते हैं, वो चीज़ दिख रहे हैं। यस, तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, काफ़ी ज़्यादा है ना बातचीत, काफ़ी ज़्यादा मुझे फोर ऑफ सोर्ड एट ऑफ पेंट मिल गया कि बातचीत कम है। ये लोग साथ हैं लेकिन साथ नहीं है वाली एनर्जी है, मतलब कैसे कि एक दूसरे को समझने लगा है कि असलियत क्या है। तो अभी जैसे ना कोई भी चीज़ का दिखावा ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए कि ये पेरेंट्स इन अगेंस्ट है, तो पेरेंट्स के साथ तो है, पेरेंट्स की बात तो मान रहे हैं, पेरेंट्स का अच्छा खासा बॉन्ड है, बट अगर बात करें कि डिसीजन के आपकी तरफ की, तो फिर वो चीज़ में दिखाई दे रहा है कि एग्रीड नहीं है पॉइंट पे, मतलब पता है कि इनको थर्ड पार्टी को भी पता है कि ये अपनी चलाना चाहते हैं, अपनी डिज़ायर के ऊपर फोकस है, बट समाव थर्ड पार्टी भी जानती है और ये भी जानते हैं कि कभी हो नहीं सकता, बट या फिर मानेंगे नहीं, बट इनके मन में अंदर जो डिज़ायर है वो चीज़ है कि
आपको एक्सेप्ट करे और थर्ड पार्टी को लाइक ना ये समझा सके, लाइक स्पेशली पेरेंट्स से तो समझा सके कि भाई मेरे लिए क्या सही है, और पॉसिबल है कि ये अगर मैरिड है तो ये सिर्फ एक उनकी जिम्मेदारी है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे फील हो रहा है ना कि दुनिया के सामने ये लोग शादीशुदा है तो ऑब्वियसली ये मतलब कैसे हो सकता है ना, मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सब चीज़ से बाहर निकलना या वो सब पॉसिबल नहीं है। और मुझे लगता है कि ये इन्होंने किया था, द थर्ड पार्टी जो सिचुएशन प्रायोरिटी देना, इम्पोर्टेंस देना, जैसे पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस देना हो ऑब्वियसली वो है, या फिर इन्होंने खुद शादी के लिए किसी को चूज़ करना, ये भी उनकी प्रायोरिटी थी। बट अभी समाव ऐसा लग रहा है ना दिन ब दिन, या फिर एक जो एक एनर्जी होती है एक साल की ग्रह दशा होती है तो वो हर चीज़ का असर करती है, तो वो एक भ्रम था वो जो टूट रहा है, एक मुझे ना कुछ लोगों केसेस में जो ब्लैक मैजिक था वो भी टूट रहा है, ऐसी एनर्जी है। मतलब एक चीज़ का वक्त होता है ना कि कितना भी आप किसी को बांध के रखें या भ्रम में रखें, कुछ भी हो जाए ये चीज़ काफ़ी हद तक एक पॉइंट ऑफ मतलब एक टाइम होता है, एक पॉइंट होता है, उसके बाद वो वर्क नहीं करती, वैसे कुछ इनकी एनर्जी है। थर्ड पार्टी इनको अपने साथ रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करें, लाइक ना इनके इस इन लोग इनमें ना बहुत ज़्यादा लाइक हर तरीके से अपने पास रखने की कोशिश है, लेकिन समाव एक वक्त आ चुका है कि जहाँ पे अभी टावर सिचुएशन क्रिएट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसका धीरे धीरे से सही एक बातचीत बंद होना या एक थोड़ा सा गैप होना, ये चीज़ में फील हो रहा है कि हाँ चलो, मतलब पहले अगर बहुत ज़्यादा लेंगे इनके सोशल स्टेटस डीपीज़ में बहुत ज़्यादा घूमना फिरना और दिखता था आपको शायद कि ये है वो है मज़े चल रहे हैं, बट अभी थोड़ा 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 कम होते जा रहा है, क्योंकि से कितना भी आप दिखाने की कोशिश करो लेकिन एक पॉइंट ऑफ पे जाके ना, मतलब आप मान लीजिए कि पहले 10 पिक्चर्स डालते थे, अभी सिर्फ हार्डली एक दो ही डाल पाते हैं, क्योंकि दिखाने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, वो वाली एनर्जी फील हुई है। तो अभी सब कुछ ना दिखाने के लिए हो रहा है, सब कुछ है तो वो सिर्फ चीज़ है, भले एक फोटो से बट दिखाने के लिए है। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक लेफ्ट आउट फीलिंग हो रही है, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं और ज़रूरत है एक हीलिंग की, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि इनको अभी पता चल रहा है कि कर्मा क्या होता है, और हम किसी के साथ अगर कुछ करते हैं, हम किस कोई रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, या फिर एक अट्रैक्शन है या कोई फाइनेंशियल वेल ऑफ है, नो कुछ कुछ लोग लड़कियां जैसे हो सकता है ना, या फिर लड़के भी शायद कि जैसे लगता है ना कि फाइनेंशियल स्टेबल है, ये है वो है, सुंदर है, ऐसा है वैसा है करके, मतलब सोचना प्रैक्टिकली जैसे हर चीज़ से लगता है कि चलो ये सब है तो फिर हम शादी इज़ लाइक मतलब प्रैक्टिकल है, बट उसमें जब इमोशनल कंटेंट मिस हो जाता है ना तब जाके चीज़ें फंसती हैं, क्योंकि मैंने देखा है इतने रीडिंग्स में और सब में, तो देखें कि फाइनेंशियल ना अप डाउन होना तो लाइफ का एक पार्ट है, फाइनेंशियल अप डाउन होना लाइफ का एक पार्ट है, बट रिश्तों में जो एक खटास आ जाए ना, या रिश्तों में जो एक इमोशनल कनेक्ट ना बैठे तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि जितना मतलब आप मान लीजिए कि आपका फाइनेंशियल लॉस होता है, आपका इन द सेंस कोई भी इंसान का फाइनेंशियल लॉस होता है, तब उसे उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, या फिर चलो इमोशनल ड्रेन आउट हो रहा है या कुछ भी, तो उसमें जो निकलने के लिए जो चाहिए ना, जो सपोर्ट है, वो जो इमोशनल सपोर्ट है, वो हर चीज़ है ना, हर किसी के बात बस की बात नहीं होती, और जहाँ एक ट्रू लव होता है ना वहीं पर वो चीज़ काम आती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जैक्टली वही चीज़ वो लाइफ में मिस कर रहे हैं कि एक ट्रू इमोशनल सपोर्ट किसी भी सिचुएशन में, भले वो अगर इनकी इनका कहीं पे कुछ अच्छा भी हो रहा है, लेकिन शायद नेम फेम कुछ अच्छा उन्होंने किया हो, लेकिन कुछ प्रमोशन है, कुछ बिजनेस है, कुछ नेम फेम हुआ है, तभी भी वो चीज़ को समझने के लिए उस मतलब ना कि उस कामयाबी को समझने के लिए भी हमारे साथ वो इंसान चाहिए, क्योंकि आपने उनकी स्ट्रगल देखी है, आपने उनका साथ दिया है उस बुरे वक्त में भी या उनके जो एक स्ट्रगलिंग पीरियड में भी, तब आपको भी पता है कि वो उनके लिए कितना मायने रखता है, और सेम वे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन लेटर क्रिएट हुए है तो उनको लिए कि हाँ ठीक है चलो हो गया, इट्स जस्ट मिल ही गया ना,
तो वो वाली चीज़ हो जाती है इसमें ना, बहुत सारी चीज़ें मतलब मुझे फील हो रहा है ना कि भले इनके साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है ना, अच्छा भी हो रहा है तो भी, और अगर निगेटिव भी हो रहा है, दोनों भी सिचुएशन में आपका एक मिसिंग एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके वो मिसिंग एलिमेंट एक यू नो इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट जिस तरह से आप हर चीज़ में सपोर्ट करते थे ना, ये समझते थे या समझाते थे, मोटिवेट करते हर चीज़ में, वो बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अभी बात करें कि इस सिचुएशन में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये टावर सिचुएशन अचानक से क्रिएट हो सकता है, डिपेंड ऑन हर एक की अपनी सिचुएशन है, बट मुझे एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो जनरली अगर बात करें तो मुझे यहाँ पे अगेन नो कुछ लोगों के केसेस में बहुत जल्दी की एनर्जी भी है, जैसे कि 6 to 10 days में आपको इस सिचुएशन का एक नो असर दिखने लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, खास करके शनिदेव का ट्रांजिट बहुत ज़्यादा कर्मा को अफेक्ट करा है, फिर आपके हो या किसी के भी हो, तो वो सिचुएशन में अचानक से कोई बोले ना अपसाइड डाउन चेंज आपको देखने मिल सकता है, और कुछ लोग केसेस में डिपेंड अगेन आपकी सिचुएशन कैसी है, तो मुझे वहाँ पे नज़र आया तो वो मुझे मार्च तक की सिचुएशन नज़र आई है, कि मार्च तक ये सिचुएशन में आपको ना क्लैरिटी समझ में आएगी कि जो दिख रहा है वो कितना हद तक जो दिखावा है या सच है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ऑफकोर्स ये एनर्जीज रीडिंग कंटिन्यूसली अपडेट होती रहती है, इसलिए तो रीडिंग रेगुलरली की जाती है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रख रही है कि यस, ये जो मुझे ना समाओ ऐसा लग रहा ना कुछ भ्रम टूटने वाला है, जो टाव सिचुएशन बोल ना लाइक भ्रम टूटने वाला है फाइनली। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।